नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ठाकुर फैमिली ब्लॉग चैनल पर। आज का दिन बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, अरे बोलना। बहुत सुंदर है आज का दिन, बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ है क्योंकि आज बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब गर्मी टाइप का है तो अच्छा लग रहा है। ये मैं रोज बोलती हूँ, कुछ नई बात बोल। तो रोज ठंडा हुआ करता था, आज गर्मी है। इस बार मैं मम्मी को बता रहा हूँ कि ये कैसे रेडी किया जाता है, ठीक है। अगले से मम्मी रेडी करके दिया करेगी। पता नहीं, पता नींबू है कि कीनू है। ये कीनू है, सॉरी संतरा है कि कीनू है। क्या है, संतरा है कि कीनू है? देखिए कीनू जो होता है इतना टाइट होता है, ठीक है। अरे ऑडियंस को तो मालूम ही होगा, मुझे नहीं मालूम ना। बाकी पापा बाहर धूप सेक रहे हैं बैठ के, बहुत अच्छा धूप है आज। संतरा जो होता है वो थोड़ा छोटा ही होता है किलो से, ठीक है। और ऐसे करो इसकी तो खुल जाएगा। अच्छा, और वो थोड़ा बड़ा होता है, छीलने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा। मम्मी अभी दलिया बना रही है। जब लॉकडाउन लगा था ना सेकेंड वाला, जब बहुत गलत सीन हो गया था एकदम, तो पापा क्या कहते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन प्रोटीन वाला एकदम चीज सब है वो भर भर के ले आए थे, मतलब भर भर के, कट्टा भर के एकदम। तो वो सब बच गया, तो अब वो धीरे धीरे हम खाते पीते खत्म कर रहे हैं। और सनी ये फ्रूट चाट बनाते हुए 15 रुपए के ऐसे में बहुत सारा पैसा जमा कर लूंगा और कुत्ता खरीद लूंगा। कबूतर के बीच में भी लड़ाई हो गया था यहाँ पे। मैं बोलता हूँ ना, बत्ता मिल गया यहाँ का, ये हरा दिया। को मालूम ही नहीं था कि मतलब ऐसा, क्योंकि इंग्रेडिएंट पे ज्यादातर ध्यान जाता नहीं है लोगों का। अभी मैं देखी इसमें जेलेटिन लिखा हुआ है। जेलेटिन बोलते हैं जो भी है, फेंक दो। सुना भी जा रहा है। और हमने गलती से मतलब मेरे को उतना ज्यादा मीठे का शौक है नहीं, लेकिन उस दिन सब लोग खा रहे थे लाल पीला नीला हरा, तो मेरे को भी हुआ कि मैं खाऊं हरा वाला। उसमें काफी ज्यादा सब बोल रहे थे कि टेस्टी होता है, तो हमें एक्चुअली मालूम नहीं था कि इसमें जेलेटिन है। फिर बाद में हमने कमेंट पढ़ा अपने जो ब्लॉग के नीचे, तो उन्होंने बोला कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ जर्मनी में, इसमें जेलेटिन होता है, जिसका मतलब होता है कि ये पशु मांस या पशु हड्डियों से बनाया जाता है, इसमें उसका प्रयोग किया जाता है। हमें पता ही नहीं था इसलिए हमने खा लिया, तो गलती मानी नहीं जाएगी। लेकिन अभी एक दो पैकेट पड़े हैं, हमने सारे फेंक दिए। वो तो मम्मी अभी आ चुकी है ना आके, और अभी मम्मी दलिया खा रही है, सुबह बनाया था हमने। खतरों के खिलाड़ी छोड़ना। ये अभी हमारे घर में इतना अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि हम लोगों ने अभी एक वीडियो शूट किया है मेरे मेन चैनल ऋषभ ठाकुर के लिए। यस, उधर सनी हमारे पूजा कर रहे हैं, हाय कर रहा है उधर से। सबको जगह पे रखो, मतलब ये हमारा एक छोटा मोटा दुकान है जो हमेशा हमारे डाइनिंग टेबल पे रहता है, जिसको जो चाहिए खा लो। तो अभी होगी हमारी रिकॉर्डिंग, तो उसका तैयारी सब चल रहा है। उधर ओएस किसने रखा है भाई? क्यों आ रहे हो हम दोनों भाई के बीच में? हमेशा मम्मी हम दोनों भाई के बीच में आ जाती है और हम दोनों को लड़ा देती है। मतलब मम्मी ही लड़ा देती है। अरे नया कुत्ता है अभी। ये कब आया? ऐसा कौन सा कट्टा जिसमें ये लगा हुआ है भाई? पापा नहीं पीले पीले कट्टा लेके आए थे कुर्तों का रवि, शायद उस दिन डिस्काउंट पड़ा होगा। पजामे ये पहन लियो। हाँ, तेरे को नया कुर्ता चाहिए था ना, हो गया बस। यार ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो जाता है? अभी मैं दीदी को बोला था, दीदी को ही बोला था, तो क्या हुआ था, हम जो बटाला जाने वाले थे ना, मतलब जा रहे हैं, तो ना न्यू दीदी आपने लिए ऑर्डर कर ली थी। क्या क्या ऑर्डर की थी? चलिया चोली? नहीं रे, फ्लेयर्ड कुर्ता। ओ माय गॉड, अब हनी नहीं है पीछे। संभालने वाला कोई ओवर एक्टिंग हो गया। तो ना दीदी अपने लिए फ्लेयर्ड कुर्ता मंगाई थी, ठीक है, और मेरे को पता चल गया। और मूवी में पापा को बोलूंगा, पापा देखो ये भी नाराज हो गया मेरे से, पापा मेरे को ना एक कुर्ता चाहिए प्लीज ले आ दो। तो पापा मेरे को बोलते हैं, अरे जो है कुर्ता कुत्ता तो नहीं लगा तेरे मुंह से सुनने में। तो कुर्ता मेरे को पापा प्लीज ला दो। तूने बोला कभी पापा को? पापा को इतने बार बोलता हूँ। तो ला तो दिए पापा, देखना नया कुर्ता है तेरे घर में। मेरे को पता ही नहीं है वो नया है कि क्या है ये। उस पे टैग भी लगा हुआ है, प्रेस भी है उस पे। अब ये जाके पापा को मत बोल दियो कि नहीं पापा न्यू कुर्ता मिल गया। पापा ही लेके आए हैं। तो पापा भूल जाते हैं ना, छोड़ना। पापा को याद नहीं, अभी मत दिलाइयो याद। तेरे को एक और नया कुर्ता चाहिए। यस, पापा ने ये वाला ब्लॉग देख लिया तो। हनी पीछे आ जा। कल हम लोग करते हैं कुर्तों की शॉपिंग,
है ना। पीछे आ जा भाई। सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है कि क्या पहने क्या पहने, लड़का लोग का भी यही प्रॉब्लम है ना हमारे घर के। यार दो बार ऐसा सीन हुआ तो है ही नहीं। एक बार और। हाँ। ओ, अरे अरे ये हाथ ऐसे देना फिर तो अरे भाई ये असली है क्या? असली है लौंडा। तैयार हो जाओ जल्दी यार, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, मेरे को रिकॉर्ड करना फिर एडिट भी करना है। कि कोई हो मेरे को ठाकुर जी बोला है। वो सीन नहीं है भाई, जैसे पापा को मामा लोग बुलाते हैं तो वही तुमको भी। गांव में जाके कोई बोला है ठाकुर जी आ गई इनको बिठाओ यहाँ पे, वो भाई तुम तो अश्लील लौंडे था वो। मैं अब एम्बैरेस्ड हो गया सारी का फील से बज रहा हूँ यार। यस yes. मैं तो दिन पे दिन कुत्ता जैसे लंबाई छू रहा हूँ। बिल्कुल एक ही दिन में वो फूट के एकदम हो जाता है ना। बिल्कुल सनी और मेरा हाइट एकदम बराबर होने वाला है ना, लेकिन तब भी मैं ही बढ़ा रहूंगा ब्रो। कैमरा पकड़ो। आप पाँव उछका के तो कोई भी हो जाता है। ये देखो सारे शर्म बेच करके ओएस खा रहा है। हाँ मम्मी क्या बना रहे हो? मम्मी आज तो बहुत हरा भरा खाना बन रहा है, पत्तों का। मेथी का पराठा बना रही हूँ। अरे वाह 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 वाह, बताना था के कैसा लगेगा? हम रिकॉर्डिंग और करेंगे। पापा से पता नहीं, ठंड लग रही है अभी। मुझे भी लग रही है। पापा कैसा लगा? मम्मी पूछ रही है। एक नंबर की। एक नंबर बनाती है। पापा बोले बढ़िया बनाती है ये। पापा मेरा हाथ ठंडा है। अभी हम लोग को दो एपिसोड और करना है, दो या तीन एपिसोड और कर लेंगे। चलो सनी जल्दी आओ। तभी बज रहे हैं रात के 11:30 और हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और एडिट करना बाकी है अभी, तो पता नहीं सोएंगे कितने बजे तक। और बस खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है ना। क्या लगी है अम्मी? भूख यार। मम्मी आप कैमरा के सामने ना क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए, एकदम अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्या आ जाती है? नर्वस हो जाती है मम्मी। नर्वस नहीं, नर्वस। हाँ कॉपीराइट पढ़वा दे अभी। अरे यार ठंडी लग रही है यार आज मेरे को। चलो बाय बाय।